हेलो स्मार्टीज, 100 दिन 100 टेस्ट की श्रृंखला में दूसरी श्रृंखला है। जिन लोगों ने पहला सीरीज नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आपको रोज़ शाम को 7 बजे ये आपको मिल जाएगी और इस श्रृंखला को मिस मत करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोलिफरेशन करो ताकि ये सीरीज चलती रहे, इसमें कोई व्यवधान ना आए। क्योंकि कोई चीज़ देने में तभी अच्छा लगता है जब उसका मतलब म्यूचुअल गिव एंड टेक बरकरार रहे। ठीक है, तो विदाउट मेकिंग एनी डिले वी डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। आज पहला सवाल जो है अच्छे सवाल है, व्हाट आर द बैलेट सिंगर्स कॉल्ड। बैलेट सिंगर को क्या कहते हैं? बैलेट सिंगर को आप बफून कहते हैं या बार्ड कहते हैं या आप लेमिन कहते हैं और या मिनिस्टर्स कहते हैं। तो बैलेट सिंगर क्या होता है? बैलेट क्या होता है? बैलेट इज बेसिकली ए फोक सॉन्ग। वुड बी वी कैन कंपेयर फोक सॉन्ग आल्हा इन हिंदी, जो आल्हा खंड होता है, आल्हा खंड का वो एक प्रकार का बैलेट है। ओरल होता है, बाद में लिटरेरी बैलेट, फोक बैलेट बाद में आता है। तो बफून्स का मतलब होता है विदूषक टाइप का, वो मस्खरा, वो होता नहीं। मिनिस्टर और लेमेन, लेमेन का मतलब होता है आम आदमी, कॉमन मैन। बार्ड्स इज आल्सो अ पोएट, बट वो चारण भाट पोएट, जैसे बार्ड ऑफ एवन कहते हैं आप शेक्सपियर को। मिनिस्टर इज द राइट आंसर, बैलेट सिंगर को आप मिनिस्टर कह सकते हैं। और ले ऑफ द लॉस्ट मिनिस्टर, अगर आपको याद हो द ले ऑफ द लॉस्ट मिनिस्टर, ये एक नैरेटिव पोएम है, द ले ऑफ द लॉस्ट मिनिस्ट्रेल, आई थिंक आपको याद होगा, द ले ऑफ द लॉस्ट मिनिस्ट्रेल जो है। ठीक है, नहीं याद है, वॉल्टर स्कॉट जो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहते हैं उन्होंने लिखा है, वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, और ये एक नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव पोएम इन 6 कैंटोस। कैंटोस का मतलब होता है सर्ग या खंड, हिंदी में सर्ग कहते हैं। तो ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल से आप ले मतलब भजन या गीत, ले हिम जिसको कहते हैं, ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल आखिरी सिंगर का गीत इसका मतलब है, एक नैरेटिव पोएम है। और बैलेट इज ऑलवेज नैरेटिव आप कह सकते हैं, बैलेट का मतलब होता है अ स्टोरी इन वर्स, एक वर्स के रूप में कहानी। ठीक है, तो बफून्स आप समझ गए, जस्ट क्लाउन, और ये मिनिस्ट्रेल इज द राइट आंसर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट ओवर आई एंड जे, आई और जे के ऊपर, ये आई और जे के ऊपर जो बिंदी लगी है, ये जो बिंदी लगी है डॉट, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टिटिल, सुपरस्क्रिप्ट, वी, ए एंड वी। तो इनफैक्ट आपको ये टिटिल शब्द मिलता है, बात सही है, अमूमन टिटिल मिलता है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट भी कहा जाता है इसको। और वी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर आपने, आपको याद होगा कि वी विल शब्द आप लोगों ने सुना होगा, वी विल, घर में गेहूं में घुन लग जाते हैं, तो वी विल इज घुन, घुन समझते हो ना, जो छोटे छोटे गेहूं को खोखला कर देता है। तो वी विल का मतलब, वी का मतलब वेरी स्मॉल। इन द वी आर का मतलब एक फ्रेज होता है, ये भी जान लीजिए, इन द वी आर, अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो अक्सर आप देखे होंगे, जैसे द पुलिस, द कॉप्स नैप्ड 2 गून्स इन द वी आर, लेट रात, देर रात 2 गुंडों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। तो इन द वी आर लेट रात, लेट नाइट जो होता है, जैसे रात 3 बजे 2 बजे गिरफ्तार किए गए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू कैन डू दैट। तो यहाँ पर आपने देखा सुपर स्क्रिप्ट एंड टिटिल, डॉट ओवर आई, आई के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको टिटिल कहते हैं। अब आप प्रश्न हो सकता है कि सर जे के ऊपर क्या लगता है, तो जे के ऊपर वाली भी बिंदी को टिटिल ही कहते हैं। ठीक है, टिटिल मीन्स वेरी लिटिल, आयोटा ऑफ थिंग, आयोटा मतलब बहुत स्मॉल, आयोटा ना, आयोटा ऑफ समथिंग। हाँ, गॉट इट। आगे की बात करते हैं, वट इज लिटरेरी मैन और अ राइटर ऑफ एनी लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड। किसी साहित्यिक, साहित्यकार को या किसी रचना के साहित्यिक वर्क, कृति को लिखने वाले को क्या कहते हैं? स्क्रिप्टर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, पोएट कहते हैं, लिटरेटर कहते हैं, वैसे कह सारे सकते हैं साहित्यकार की हिंदी, जैसे कोई साहित्यकार है, आप साहित्यकार क्या होता है आई नीड नॉट टेल, आपको बेहतर पता है, लिटरेटर कहेंगे। और ये स्पेलिंग इसलिए भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में अमूमन 4 से 8 क्वेश्चन स्पेलिंग बेस्ड होते हैं, कई बार तो 8 क्वेश्चंस आए हैं, तो स्पेलिंग में बड़ा प्रिसाइज होना है और इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम में जब मैंने बताया था कि ओमलेट, लगभग 4-5 दिन पहले ही एग्जाम क्लास में बताया था ओमलेट वाला, और वो आ गया, हालांकि फ्लफी नहीं बताया था बट ओमलेट बताया था। ओके, हाँ, यू हैव टू ब्रेक एन एग्स बिफोर यू मेक इट एन ओमलेट, राइट, ये उदाहरण दे रहा तभी मैंने बताया था। अ सॉन्ग और पोएम इन द ऑनर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, ऑनर ऑफ मैरिज जो होता है उसके, मैरिज के ऑनर में गाया गया गीत
पीएन होता है या पीएन होता है। अच्छा, ये दोनों में आप कहोगे सेम नहीं है, यहाँ पर स्पेलिंग का अंतर, यहाँ ये है यहाँ वो है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर सेम है और इंकोमियम है। अब देखो इन सब का मतलब होता है प्रशंसा गीत। क्या होता है प्रशंसा गीत? जैसे यूलोजी होता है ना, यूलोजी, ये जो एंकोमियम है ये और ये जो है ये सब क्या है, यूलोजी के प्रकार है। एपिथैलेमियन इज अ लॉन्ग पोएम, लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट सेलिब्रेट्स मैरिज। तो एपिथैलेमियन, अगर आप स्पेंसर को याद करें, एक प्रोथैलेमियन होता है, प्रोथैलेमियन एंड एपिथैलेमियन दोनों में लगभग माइन्यूट डिफरेंस है। अगर हम एपिथैलेमियन की बात करें तो इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम सेलिब्रेट्स मैरिज, व्हाइल प्रोथैलेमियन जो होता है दैट्स अ शॉर्टर शॉर्ट नैरेटिव पोएम और दैट इज लेस पर्सनल। कहने का मतलब होता है कि वो उसमें उतनी पर्सनल बातें नहीं, वो एंगेजमेंट, वो बिफोर मैरिज, मैरिज होने की प्रक्रिया को सेलिब्रेट करता है और एक खुद मैरिज को एक प्रकार का मैरिज सॉन्ग, नप्सल सॉन्ग आप कहते हैं, नप्सल सॉन्ग, ठीक है। और ये पीएन जो है माय डियर, ये पीएन जो है एक फुट है, फुट मतलब जैसे आयम्बिक, ट्रॉकी, डैक्टिल, स्पॉन्डी, पेरिक, एनापिस, उसी में एक ये फोर लाइन का होता है, मतलब फोर सिलेबल्ड फुट होता है ये, जिसमें एक स्ट्रेस होता है, तीन अनस्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना है, तो दैट्स ओके, आगे की बात हम करते हैं। यहाँ आंसर बता दिया ना, एपिथैलेमियन, ठीक है। आगे मैट्रिकल की बात करें हम, आई थिंक अ मैट्रिकल फुट ऑफ वन लॉन्ग सिलेबल एंड थ्री शॉर्ट सिलेबल। कहने का मतलब वन लॉन्ग सिलेबल, थ्री शॉर्ट सिलेबल, मतलब वन स्ट्रेस, थ्री अनस्ट्रेस्ड। तो अभी स्पॉन्डी क्या होता है? अब स्पॉन्डी, पीएन, एनापिस्ट, डैक्टिल। अब स्पॉन्डी मैंने आपको बताया है, स्पॉन्डी में टू सिलेबल्ड होता है, दोनों स्ट्रेस होते हैं। पीएन ये हो ही गया, एक स्ट्रेस होगा, तीन, ये फोर फुट है। एनापिस्ट की बात करें तो एनापिस्ट थ्री सिलेबल्ड होता है, टू अनस्ट्रेस, वन स्ट्रेस। और डैक्टिल जस्ट अपोजिट ऑफ एनापिस्ट, वन स्ट्रेस, टू अनस्ट्रेस, ठीक है। आयम्बिक जो होता है वो वन अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जो होगा वो आयम्ब हो जाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर वाला जो होता है। और ये जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस जो होगा वो ट्रॉकी हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं, एनापिस्ट का उल्टा डैक्टिल, डैक्टिल का उल्टा ये स्पॉन्डी, एक पिरिक होता है, पिरिक जैसे होता है, ये पिरिक जो है, पिरिक में दोनों क्या होते हैं, अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये यहीं से एक आ जाएगा, ये पीएन जो है एडिशनल बात के रूप में आपको बता दिया गया। ध्यान रहे ये पीएन अलग है, ये पीएन का मतलब होता है सॉन्ग, यूलोजी, प्रेस सॉन्ग, लेकिन आपका ऑनर ऑफ मैरिज के लिए तो एपिथैलेमियन लगाया गया। यहां पर दोनों स्पेलिंग में अंतर है, तो सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू, रखना है, यू हैव टू रिमेन वेरी क्लियर, राइट। आई विल मूव अहेड। अ कर्टेल्ड फॉर्म ऑफ द सोनेट, सोनेट का एक संक्षिप्त रूप जो होता है कर्टेल्ड फॉर्म ऑफ सोनेट होता है, जिसे कर्टेल सोनेट कहते हैं। 10.5 लाइन का सोनेट होता है, विद अ 10.5 लाइन एट द एंड ऑफ, वॉज इन्वेंटेड बाई, ये कर्टेल्ड फॉर्म ऑफ सोनेट किसने इन्वेंट किया था? अगर आपको सोनेट पढ़ी होगी तो मुझे लग रहा है कि ये सोनेट आपने पढ़ी होगी, पाइड ब्यूटी। और इसी में इंस्केप और इंस्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंस्केप और इंस्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एन इंस्ट्रेस, स्प्रंग रिदम, ये पाइप ब्यूटी में इन्होंने इस्तेमाल किया है, हालांकि इन्होंने ही इस्तेमाल किया। अब वो कौन है, जीएम हॉपकिंस, ये खुद अपनी कविताएं नहीं चाहते थे पब्लिश हो, ही वॉज क्लर्जीमैन टाइप के थे और इन्होंने कई अपनी पोएम्स खुद जला दी। बाद में इनके दोस्त थे रॉबर्ट ब्रिजेज, उन्होंने पब्लिश किया, रॉबर्ट बर्न्स, फिलिप लार्किन, डब्ल्यू एच ऑर्डन, ये सब बड़े नाम है। फिलिप लार्किन का पेन नेम कोलमन ब्रनेट है और ये मूवमेंट पोएट में आते हैं, मूवमेंट पोएट इन्हें कहा जाता है, मूवमेंट पोएट, ठीक है, एक मूवमेंट पोएट है। तो ये सारी चीजें भी एडिशनल चीजें आपको जानेंगे। रॉबर्ट बर्न्स, आपको इनको स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट कह सकते हैं, पोएट ऑफ प्लाउमैन पोएट कहा जाए, इनको प्लाउमैन पोएट कहा जाता है। डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑर्डन ग्रुप वाले में 1930s में पॉपुलर पोएट हैं,
तो ये सारी चीजें कर्टेल्ड सोनेट जीएम हॉपकिंस को जाएगा। अ काइंड ऑफ ड्रामा इन विच डिबेट एंड डिस्कशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्लॉट एक्शन एंड कैरेक्टर से ज्यादा महत्वपूर्ण डिबेट और डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है डिस्कशन एंड डिबेट? तो कुल मिला के इट्स वेरी सिमिलर टू अ प्रॉब्लम प्ले। इट विल जस्ट स्पीक अप सम प्रॉब्लम, देयर विल बी सम डिबेट, सर्टेन इश्यूज विल बी रेज्ड। तो यहां पर कर्टेन रेजर इंटरल्यूड प्रॉब्लम प्ले, मुझे लगता है कि सारी चीजें डिस्कशन प्ले आपको जानना पड़ेगा इसके लिए। ये डिस्कशन प्ले है, डिस्कशन प्ले एक प्रकार का प्रॉब्लम प्ले है, वन एक्ट में होता है आप कह सकते हैं। मिस अलायंस नाम का अगर आपको प्ले याद हो जो मैंने लिखाया था, मिस अलायंस मुझे लग रहा था मैंने लिखाया था, और नहीं लिखाया था तो कोई बात नहीं है। मिस अलायंस या हार्ट ब्रेक हाउस ये सब याद कर लेना, नेट वालों को भी काम आएगा ऐसा। लेकिन मैं बेसिकली मैं ये सीरीज टीजीटी पीजीटी की है, बहुत जल्दी मैं नेट की सीरीज दे दूंगा, संभवतः कल से ही दे दूंगा, और वो भी इसी फॉर्म में रहेगा। नेट की सीरीज में जो रहेगा उसमें कुछ नया नहीं दूंगा, बस अब तक के जितने पेपर हुए हैं सबको मैं उसको अब तक के जितने पेपर हुए सबका एनालिसिस करके 30-30 क्वेश्चन में एग्जाम तक देता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे तो शायद ये सीरीज नहीं रुकने वाली है। कम से कम 100 days 100 tests, वो कहने को आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे, बट यू विल व्हेन यू मेक अ डीप एनालिसिस यू विल फाइंड आप 12000 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो डोंट टेक दिस क्वेश्चन लाइटली, ठीक है। और लाइव आने के चक्कर में एक घंटा किल होता है, मैं उसको बचना चाह रहा हूँ बस। मिस अलायंस हार्ट ब्रेक हाउस, तो ये डिस्कशन प्ले का एग्जाम्पल हो गया। जीबी ये दोनों जो है जीबी शाह की है, जीबी शाह एक बड़ा नाम है प्रॉब्लम प्ले में। डेनुमा इसे इसका प्रोनंसिएशन होगा डेनुमा, पहले इसका प्रोनंसिएशन हम देखते हैं डेनुमा, ठीक है। डेनुमा का मतलब डेनुमांट नहीं पढ़ेंगे, डेनुमेंट नहीं पढ़ेंगे, डेनुमांट। डेनुमा का मतलब क्या होता है? फाइनल रेवलेशन। अब मामला क्या है? द फ्रेंच टर्म विच मींस अननॉटिंग, अननॉटिंग माने रिवील कर देना, खोल देना। दैट रिजॉल्व्स, जो रिजॉल्व कर देता प्रॉब्लम को, एंड सेटल्स एवरीथिंग, हर चीज को सही व्यवस्थित कर देता एट द एंड ऑफ हो। अब डेनुमा क्या होता है? जैसे मैंने बताया था ये फ्रेटेक्स पिरामिड आपको बताया रहा होगा, जब मैंने फ्रेटेक्स पिरामिड बताया था, ऐसे फ्रेटेक्स पिरामिड बताया था, तो यहां एक्सपोजिशन होता है, कोई प्ले यहां शुरू हो रहा है, एक्सपोजिशन हो रहा है, और यहां पर राइजिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां पर प्ले और यहां पर क्लाइमैक्स पहुंच गया, ठीक है, 5 act पे ये क्लाइमैक्स हो गया, जिसको आप कहते हैं, देखो मैंने क्लाइमैक्स हो गया, और ये हो गया फॉलिंग एक्शन हो गया, और फॉलिंग एक्शन के बाद लास्ट में आया डेनुमा। अब ये डेनुमा की स्पेलिंग भी याद कर लेना, डेनुमा। तो डेनुमा जो होता है स्पेशली फाइनल रेवलेशन, वो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के लिए लागू हो सकता है, इनफैक्ट स्पेशली उसे लगा देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? डेनुमा इज स्पेशली रिलेटेड टू कॉमेडी, ठीक है। फाइनल में क्या होता है? और हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन ट्रेजेडी के लिए ज्यादा प्रीफर करिए शब्द कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। ट्रेजेडी के लिए ज्यादा प्रेफरेबल कैटास्ट्रॉफी है, डेनुमा ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के लिए हो सकता है अमूमन एक प्ले के अंत में जो फाइनल रेवलेशन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहां पर ट्रेजेडी है, एपिक और कॉमेडी और ऑल से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम आगे देखते हैं, हु रोट बिंगो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया, ये वैसे कहीं भी आ सकता है। हु रोट बिंगो, बिंगो नाम की प्ले किसने लिखी है? बिंगो एक प्ले है, किसने लिखा? सीन्स ऑफ मनी एंड डेथ, ये प्ले का नाम है, 1973 में आया था। अ प्ले दैट डिपिक्ट्स एन एजिंग शेक्सपियर, एक ऐसा प्ले जिसमें बूढ़े शेक्सपियर को दिखाया गया कि शेक्सपियर बूढ़ा हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है जिसकी वजह से उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम में उसकी प्रॉब्लम सफरिंग्स को दिखाया गया है, और वो किसने लिखा है? और इन्होंने ही एक प्ले लिखा है जिसका नाम है लियर, जो 1971 में लिखी थी, ठीक है। लियर नाम का भी प्ले इन्होंने लिखा है, किंग लियर तो पता ही है। तो हराल्ड ब्लूम, टॉम स्टफर्ड, एडवर्ड बॉन्ड और एडवर्ड लियर, एडवर्ड लियर नॉनसेंस कविता के लिए जाने जाते हैं, तो एडवर्ड बॉन्ड ब्रिटिश प्लेराइट है, तो इनका नाम याद कर ले। इन्होंने लियर भी लिखा है और इन्होंने ये अनएजिंग सॉरी बिंगो नाम का प्ले लिखा है जिसमें शेक्सपियर को, बूढ़े शेक्सपियर को दिखाया गया है जो कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस जाता है। इस तरीके की बात बताइए। आगे की बात करें, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता को प्राप्त कर लेते हैं, ये वाले ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो दूसरी है, और सम है ग्रेटेस्ट थ्रस्ट अपॉन, कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। हाँ, नेपोटिज्म जो नेपो बेब्स है, हाँ राजा के, जी
एक पर्सनल पावर होती है, एक पोजिशनल पावर होती है। पर्सनल पावर इज ऑलवेज अचीव्ड ना, वो जिसको अ प्रेयर फॉर माई डॉटर में वो कहते भी हैं, डब्ल्यू वी एट्स क्या कहते हैं, हर्ट्स आर नॉट हैड एज गिफ्ट बट दे आर अर्न्ड। दिलों को गिफ्ट के रूप में नहीं पाया, दिलों को जीत आ जाता है, तो वो पर्सनल पावर है, आप जीतते हैं। बाप ने बना के रखा, उसको आपने अचीव कर लिया, ये पोजिशनल पावर है। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आप समझ रहे हैं। देन दीज आर द लाइन्स इन एक्ट टू सीन फाइव अब ट्वेल्थ नाइट में। ये ट्वेल्थ नाइट प्ले जो है उसमें लाइन है, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महान बन जाते हैं, मतलब महानता को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोगों में महानता थोप दी जाती है। ये सबसे खराब कैटेगरी है और हिंदुस्तान में इस प्रकार की कैटेगरी ज्यादा दिखती है। और दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई, ये देर नहीं है, यहाँ पर दीज है, ये दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई फेस्टी फेवियन टोबी बेल्ट मेलबोलियो। ये कौन कहता है आपको बताना है, और आप बता सकते हैं। यहाँ पर मेलबोलियो कहता है, ये पढ़ता है, मान लो मेलबोलियो समर मॉर्गेट, थोड़ा सा फिलोसॉफिक टाइप का है थोड़ा। मेलबोलियो क्या है, मेलबोलियो के माध्यम से वो प्यूरिटन्स के खिल्ले उड़ाते हैं शेक्सपियर। बाकी पूरे प्ले को मैंने डिटेल में समराइज करके बताया है। आगे की बात, फेस्टी का भी डायलॉग आप जानते हैं, ओ मिस्ट्रेस माइन, या इसका सॉन्ग जो है व्हेन दैट आई वाज अ लिटिल बॉय टाइनी बॉय विद हे हो विंड एंड द रेन, वो आपको पता होगा फेवियन। और ये फेस्टी द वाइजेस्ट फूल माना जाता है, शेक्सपियर का वाइजेस्ट फूल माना जाता है, वाइजेस्ट फूल। हालांकि ये विवादों में सवाल हो सकता है, इस तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन आगे की बात करते हैं। अ नैरेटिव कलेक्शन ऑफ द राइटर्स अर्लियर एक्सपीरियंसेस, किसी लेखक के पूर्व अनुभव के एक नैरेटिव एक्सपीरियंसेस, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग अनयूजुअल पीपल, जिसमें कुछ असामान्य लोग हों, प्लेसेज हों और इवेंट्स हों। एक पार्टिकुलर आप संस्मरण समझते हो, जैसे आप कहीं गए और कुछ याद करके लिख दिए, तो ट्रेवलॉग यात्रा वृतांत होता है। क्या हो, अर्लियर एक्सपीरियंसेस स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग, अगर यात्रा कर रहे हैं तब लिख रहे हैं तब ट्रेवलॉग हो गया। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई समवन एल्स इज बायोग्राफी, अ मेमोर, एक प्रकार का संस्मरण, वेरी सिमिलर टू बायोग्राफी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ऑटोबायोग्राफी से थोड़ा सा कम है। इसमें एक पर्टिकुलर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल पीपल प्लेसेज एंड इवेंट्स की बात करते हैं, मेमोर अनट एंड ऑटोबायोग्राफी, आप अपनी खुद कहानी लिखें पूरे शुरू से लेके अंत तक, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और ये क्वेश्चन बड़े उम्दा हैं, आपको जानना पड़ेगा। आगे की बात करें, ग्रीक टर्म फॉर अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट जो ये शब्द है उसके लिए ग्रीक टर्म क्या है, आर बी लिटलिंग, किसी को बहुत कम आंक देना, रेटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच है बाय विच समथिंग इज रिफर्ड टू द लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, किसी चीज को जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो उसको कम महत्वपूर्ण दिखा दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, हाइपरबोली। हाइपरबोली मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, कुछ ज्यादा ही महत्व की बात बता देते हैं। हाइपोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू ट्रांसफर्ड एपिथेट, पूरा फिगर ऑफ स्पीच का पूरा पुलिंदा यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने किया है। मायोसिस एंड लाइटोटीज, लाइटोटीज निगेटिव के माध्यम से अफर्मेटिव कहना, जैसे ही इज नॉट अ बैड बॉय, इसका मतलब ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ मायोसिस और ये जो है अंडरस्टेटमेंट, उसके लिए आप कह सकते हैं ग्रीक टर्म मायोसिस है। मायोसिस जैसे आप कहते ना, हम जैसे गांव में कुछ माएँ होती हैं अपनी बेटी की तारीफ में, हमारी बिटिया ने तो एक खर भी नहीं उठाया आज तक, मतलब कोई काम ही नहीं किया जीवन में, और कैसे उतना काम कर पाएगी, शहर में रहेगी कैसे, खाना बना पाएगी क्या, इस तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि काम तो थोड़ा बहुत कर ही लेता है व्यक्ति, तो वही किसी चीज को बहुत कम कर देना। नेवर लिफ्टेड ए सिंगल स्टोन, जैसे माइकल वाले पोएम में आपको मिलता है। इट इज अ कन्वेंशन टू बिगिन एन एपिक, ये एपिक शुरुआत करने की एक परंपरा है, कि इन मीडियस रेस, ये जो मीडियस रेस है इसका मतलब, एज मिल्टन डज इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन इसको फॉलो करते हैं पैराडाइज लॉस्ट में, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है एट द लास्ट ऑफ एवरीथिंग, इन टू द मिडिल ऑफ थिंग्स, इन द बिगनिंग ऑफ थिंग्स, इन बिटवीनिटी। तो इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, इन बिटवीनिटी का मतलब बीच में मत समझना, नहीं तो कहना सर ये दोनों एक ही बात तो ही, इन बिटवीनिटी का मतलब होता है दुविधा में, इन अ डिलेमा, समझ रहे हैं नहीं, जिसको आप डायलेमा पढ़ते हो। द मीनिंग ऑफ द साउंड द इन द वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड में फाइव सेक्शन है, आपको पता है वेस्टलैंड जो है 1922 में आया था, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तो 1922 में जो आया था ये फाइव सेक्शन में है, बरियल ऑफ द डेड, मैंने कई बार बताया VGF DW करके आपको एक निमोनिक बता दिया, बरियल ऑफ द डेड, द बरियल है तो उसको बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, द गेम ऑफ चेस है, द गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, ये व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द
थंडर सेट लास्ट है और ये डेथ बाय वाटर सबसे छोटा है। तो थंडर ने कहा दा 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 दा, तीन बार दा, बिजली तड़कने की आवाज उसने क्या गया, दत्ता दम्यता एंड दया दुम, दत्ता दया दुम और दम्य, ये दत्ता क्या है, चैरिटी, द ये क्या हुआ, टू कंपेंसेट, दया दुम दत्ता दम्यता मतलब कंट्रोल। अब दादा का क्या मतलब हुआ, तीनों दा अगर आप देखें तो सिंपैथी से आपका मतलब हो जाएगा, ठीक है, सेकंड दा का मतलब सिंपैथी से है, ठीक है, गॉट इट, दा दा दा, और बाकी आप ठीक है, दत्ता दम्यता और दत्ता दया दम और दम्यता द्वयम सेल्फ कंट्रोल से मतलब है, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, दत्ता दया दम और ये टू बी कंपैशनेट से मतलब है। और ये कभी कभी पूछता है कि इसका लॉन्गेस्ट सेक्शन कौन है, शॉर्टेस्ट सेक्शन कौन है, पहला सेक्शन कौन है, इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेता है सीक्वेंस, मैंने ऐसे याद किया था, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। हु हैज रिमार्क्ड द थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल, थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल, ऐसा किसने कहा था, ईवी ल्यूकस, एफ एल ल्यूकस, प्लेटो और एरिस्टोटल। दरअसल एरिस्टोटल की खूब खिंचाई की थी एफ एल ल्यूकस ने, और क्योंकि वो कथारसिस वाली थियरी पे, कथारसिस पे इन्होंने लिखा है, कथारसिस की आलोचना करी थी, कथारसिस जो है जो कथारसिस है, ठीक है, कथारसिस प्योरिफिकेशन परगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा थिएटर, हम कोई सिनेमा हॉल या थिएटर में इसलिए थोड़ी जाते हैं कि वहाँ जाके रोने लगे तो वहाँ से हम फिर क्या कहते हैं, हम पर्ज आउट हो जाएं और हम जो पेंट अप फीलिंग से वो निकल जाएं। तो हाँ, थिएटर एक हॉस्पिटल नहीं है कि वहाँ पर आप बीमार हैं और उसको पर्ज आउट करना चाहते हैं। पूरी कथारसिस की थियरी मैंने डिटेल में पढ़ाई है और मैं फिर से पढ़ा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ये हो गया, व्हाट इज जैक डॉकिंस नेम, जैक डॉकिंस नाम का एक करेक्टर है, निक नेम, इन ओलिवर ट्विस्ट नाम का जो नॉवेल है, अगर आप देखें ओलिवर ट्विस्ट का नॉवेल है जिसका द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, इसका सब टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, डिकेंस का एक बेहतरीन नॉवेल है, और जैकाल नाम है, द आर्टफुल प्लेयर है, द आर्टफुल डॉजर है, पिक पॉकेट्स के गैंग में होशियार रहता है जैक डॉकिंस, काफ़ी वेल ट्रेंड रहता है आप ये कह सकते हैं। द आर्टफुल बर्गलर, बर्गलर मतलब सेंध लगाने वाला जो दीवार तोड़ करके किसी के घर में घुस जाए, ब्रेक इनटू करने वाला। द नेम ऑफ मिस हैबिशाम मेनर, मिस हैबिशाम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक नॉवेल है, आपको पता है 1861 में आया था, इसी नॉवेल पे एक मूवी अभी बेस्ड 2016 में आई थी, हाँ फितूर करके आई थी, ठीक है, आप देख सकते हैं फितूर मूवी, जिसमें तब्बू और कुछ करेक्टर है, श्रद्धा कपूर, तब्बू और अभिषेक कपूर है, तो विशाल किसी की मूवी है, मैं डायरेक्टर का नाम मिस कर रहा हूँ, वो कोई कपूर ही है। तो सेटायर हाउस और सेटिस हाउस उसके घर का नाम है। ये मिस हैबिशाम एक मैसोकिस्ट महिला है, मैसोकिस्ट मतलब दूसरों को प्रॉब्लम में डाल करके खुशी महसूस करे, हाँ मैसोकिस्ट महिला है, जिसको सैडिस्ट सरल भाषा में कह सकते हैं, मैसोकिज्म आप समझ रहे हैं। तो डेलमोंट हाउस और हैप्पी वैली ऐसा कुछ नहीं है। अ वर्ड आर स्टेटमेंट विच रीड्स द सेम बोथ वेज इज नोन एज, एक ऐसा लाइन जो दोनों तरफ से उल्टा सीधा एक समान पढ़े, जैसे आप कहें मैडम आई एम एडम, तो मैडम आई एम एडम, तो अब ये अगर आप देखिए मैडम आई एम एडम, चाहे इधर से पढ़ो मैडम आई एम एडम, दोनों एक से, या आप देखिए नर्सेज रन, नर्सेज रन, नर्स दौड़ती हैं, तो नर्सेज रन चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से, लगभग वही हो जाएगा नर्सेज रन, या अमैन अप्लान अकनाल पनामा, जैसे अमैन अप्लान अकनाल पनामा, पनामा नहर का नाम है। अब इधर से चाहे उल्टा सीधा एक समान पढ़ो, लगभग सब वही हो जाएगा। सलमान रुश्दी ने काफी अच्छे इस्तेमाल किया, इसे पैलिंड्रोम कहते हैं, इसे पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिलॉजी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स विदाउट एनी इंटरवेंशन, जिसको आप कहते हैं ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ऑफ सी। पैनग्राम का मतलब एक ऐसा लाइन जिसमें अंग्रेजी या किसी भी अल्फाबेट के सारे लेटर्स आ जाए। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आप जानते हैं। पोर्टमैंटू का उसको पैक करके एक शब्द बना दिया जाए, व्हेन टू वर्ड्स, जैसे स्मोक है, स्मोक प्लस फॉग को मिला के
स्मॉग कर दिया गया, धुंध। तो ये पोर्टमेंटो का उदाहरण है, व्हेन टू वर्ड्स आर पैक्ड इनटू वन टू क्वाइन अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए, तो उसे पोर्टमेंटो कहा जाता है। इसके जैसे बॉलीवुड बनाना, जैसे बॉम्बे था, पहले बॉम्बे था और प्लस हॉलीवुड मिला के बन गया बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, कारण है कि उनके पास कोई आइडिया ही नहीं नया, तो कौन देखने जाए, 3 घंटा किल करो, बकवास फिल्म देखो। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड को मिला के बॉलीवुड बन गया, जैसे विराट कोहली और अनुष्का को मिला के बिरुष्का बना दिया गया, ऐसे तमाम नए शब्द कॉइन होते रहते हैं, तो आप पैलिंड्रोम कहेंगे। द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टरिस्टिक इन द ड्रामा आर नॉट सपोज, कैरेक्टर्स इन द ड्रामा आर नॉट सपोज टू नो। जैसे कोई कैरेक्टर्स है उसको नहीं पता है, लेकिन जो ऑडियंस है जो देख रही है उसे पता है किसका। जैसे आप देखिए ओथेलो में बार बार इयागो के लिए ऑनेस्ट शब्द आता है, तो हम सबको पता है कि ऑनेस्ट जो है ओथेलो नहीं, मतलब इयागो नहीं है, लेकिन ओथेलो बार बार उसे ऑनेस्ट के रूप में एड्रेस करता है। तो आयरनी कहते हैं, ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, एडिज कहते हैं, और या पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं अगर आप करें तो। या एक्ट वन सीन 3 में मैकबेथ में, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, अगर ये आप कहें जो वहां पर डंकन वाली लाइन है, तो एक्ट वन सीन 3 में वो क्या कहता है, देयर इज नो आर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसी कोई कला नहीं है जिससे इन द फेस, चेहरा देख करके मन में क्या चल रहा है उसे पता चल जाए। तो मतलब ऑडियंस को पता हो, करेक्टर को ना पता हो, तो वही बात है। तो उसे डंकन को तो पता नहीं है कि मैकबेथ ही उसको हलाल करने वाला है, वो माई पियरलेस स्किन, तो उस तरीके से कहता है। तो ये बात है, अ प्ले अपन वर्ड्स वेयर इन अ वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम, एक वर्ड दो मीनिंग सेम टाइम दे, तो पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, ये आप जानते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई एम नोबडी, तो अपने आप में कंट्राडिक्ट हो गया, कोई ना कोई तो मैं हूं ना, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, ठीक है। तो ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, समझ रहे हो। सटायर डायलॉजी का मतलब, डायलॉजी का मतलब होता है एम्बिगुअस लाइन, बहुत दो मीनिंग, कई मीनिंग दे दे, हालांकि बहुत सिमिलर है, लेकिन यहां पर आपका एग्जाम्पल पन है, प्ले ऑन वर्ड्स, जिसको और भी नाम से जानते हैं आप, इक्विवोक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे की बात करें, इन द लाइन रादर आई वुड ऑब्जर्व ऑल रूप्स, उसकी वो जब उसकी जो बेटी कहती है उससे सैनिक ले लेती है, वो बहुत गुस्से में रहता है किंग लियर, और वो कहता है मैं सारे रूफ का मतलब यहाँ पर क्या है, रूफ को मतलब पूरे महल से, पूरा महल, ये महल चौबारा सब त्याग देगा। तो एक्ट टू सीन 4 में जब किंग लियर की गुस्से में रहता है तो ये बात कहता है। और कायाजमस का मतलब होता है वर्ड ऑर्डर को चेंज करना, लाइटोटीज आप समझते हैं, युग्मा किल द बॉयज इन द लगेज बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर सिनक डकी है, सिनक डकी का मतलब होता है समथिंग पार्ट फॉर द होल एंड होल फॉर द पार्ट। यहाँ रूफ का मतलब सिर्फ रूफ से नहीं है, महल से है, आप कह सकते हैं। अब जीवर का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, गिव, कसम खाकर छोड़ देना, कहा मैं जंगल में रह लूंगा, भेड़ियों के साथ रह लूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, तो वो भाई उसे तकलीफ होती है ना। दरअसल किंग लियर को बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो उसे थोड़ा सी दिक्कत थी, वो एरोगेंट था बस, बाकी आदमी बुरा नहीं था। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी फाइंड इन द लाइन स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये वर्ड्सवर्थ की बैलड है, वर्ड्सवर्थ का एक 7 स्टेंजा का पोएम है, वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है। हाँ, सिर्फ अभी ये कहीं पूछा गया था हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन पोएम, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 7 स्टेंजाज हैं और 1800 के लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था। और ये इसमें क्या है, वर्ड ऑर्डर मतलब इम्फेसिस करने के लिए क्या है, पुटिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, हैव आई नोन, उसको क्या कहते हैं, उसको हाइपरबेटन कहते हैं, या इसी को सरल भाषा में इन्वर्जन कहते हैं। एडवर्ब वाला चैप्टर मैंने ठीक से पढ़ाया है, जिसमें इन्वर्जन का पोस्टमार्टम किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आप। पोर्टर सीन, क्या बात है, पोर्टर सीन को क्या कहते हैं, इन मैकबेथ अकर्स इन विच एक्ट एंड सीन, अब क्या है, एक्ट टू सीन 3 सीन कहा जाता है, क्यों आपको पता है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ऑन द, ये इसके लिए मशहूर कौन हो गया, ऑन द नॉकिंग एट द गेट
इन मैकबेथ कौन मशहूर हो गया इस एसे को लिख करके? आपको पता है? नहीं पता है तो पता करो। और इन्होंने ये लिखा है द कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम और इंग्लिश ओपियम ईटर, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अच्छा, कल मैं लिख रहा था तो इंग्लिश हटा दिया था ना, कोई बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। इंग्लिश ओपियम ईटर, इतना पढ़ते रहो तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती कभी। ईटर्स, ईटर ये कब आया था? 1822 में आया था, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? टॉमस डी क्विंसी ने। ये टॉमस डी क्विंसी इसके लिए मशहूर हो गए और ये पोर्टर सीन पे आधारित है। टॉमस डी क्विंसी, होता क्या है दरअसल, मामला क्या है कि किंग डंगन के मर्डर के बाद लेनक्स और मैकडफ बार बार खटखटाते हैं दरवाजा, तो वही है और उसके बाद पोर्टर सीन आता है। तो ये एक्ट टू सीन थ्री जो है ये बड़ा मशहूर है, रट लेना, इसमें कोई कंजूसी मत करना। हु पुट पोएट्स पाइपर्स प्लेयर्स एंड जेस्टर्स एज वन ग्रुप कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, कहा है इन सबको, किसको? पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स को क्या कहा है? जॉसन, स्टीफन गॉसन की किताब आप जानते हैं, हाँ, स्कूल ऑफ अब्यूज, स्टीफन गॉसन, स्टीफन गॉसन जो है उनका आप जानते हैं, 1579 में उन्होंने फिलिप सिडनी को रिप्लाई में लिखा था, आप जानते हैं। तो ये आप कह सकते हैं स्टीफन गॉसन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की बात करें, द पोएम मॉन्ट ब्लांक इज एन आंसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मॉन्ट ब्लांक जो है ये रिप्लाई है, ये मॉन्ट ब्लांक पहली बार लिखी किसने, पहले ये समझ लो, मॉन्ट ब्लांक लिखी है शेली, ये शेली की पोएम है, नहीं तो आप कुछ और कर दो। और रिप्लाई किसका है? टिंटन एवी वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। ला बेल दैम समर्सी ओड टू द वेस्ट विंड लैमेंट। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? अब बिब्लियोफाइल का मतलब होता क्या है माय डियर? बिब्लियोफाइल जहां पर भी फिल लगा रहता है या फाइल लगा रहता है उसका मतलब लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लव। तो वेल्स लेटर मतलब होता है लव लेटर होता है, ये लव लेटर से इसका मतलब होता है, लव लेटर्स होता है। अ लवर ऑफ बाइबल, बाइबल का लवर आप हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आपने पढ़ी ही नहीं होगी, कोई बात नहीं, मत पढ़ो नहीं तो पागल हो जाओगे। हाँ मैंने पढ़ी है, मैं पागल नहीं हूँ। लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, हाँ मैंने पढ़ी है, आई हैव, आई विल शो यू, अब दूसरे रूम में। हाँ आजकल तो डार्विन पे काम चला रहा हूँ, आजकल तो मैं डार्विन पढ़ रहा हूँ, मौका मिले तो चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल गया इंसान बना कैसे, एडम से बने, एडम से अब्राहम से सब आए, फिर इस्माइल से प्रॉफिट आए, फिर उधर जैकब आए, तमाम चीज़ों, लेकिन हम दुनिया में एडम कैसे आए होंगे तो उसकी बात करेंगे हम। हम चिंपैंजी से इंसान कैसे बने? डायरेक्ट एडम तो नहीं बने होंगे ना, प्रश्न क्वेश्चन। तो हाई लवर ऑफ बुक्स सिख, ये क्या, सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। निफेरियस का मतलब क्या? एपिडेमिक, एक प्रकार का पेंडेमिक जो होता है, एपिडेमिक फैल जाता है, महामारी टाइप की बीमारी। बिकेट कॉलरा इज एन एपिडेमिक। बिकेट अकेजनल स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब स्थिर, जो स्टेगनेंट वाटर जो है, फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर लंदन में उन्होंने लिखा है पोएम वर्ड्सवर्थ में। तो यहाँ पर बिकेट है दुष्ट, बदमाश, नेफेरियस हो गया। और ऑफिसर्स का मतलब होता है, क्या होता है, जो थोड़ा सा बंतु टाइप का हो। पोलोनियस इज ऑफिसर्स, पोलोनियस कैरेक्टर क्या है? स्किलफुल, बहुत एक्सपर्ट होता है। एडेप्ट जिसको आप कहते हैं, एडेप्ट, ठीक है। स्विफ्ट आप जानते हैं, टू ईगर टू हेल्प और एडवाइस, बिना बात जबरदस्ती एडवाइस देता रहता है। हाँ ऐसे लोगों की संख्या भारत में ज़्यादा है क्योंकि खुद असफल रहें तो आप एडवाइस ज़्यादा देंगे। बियरिसम मतलब जो बहुत थका हो, बोरिंग, ठीक है। ओनस का मतलब क्या होता है? बहुत बोझिल, बर्डन सम हो। ओनस का मतलब बर्डन होता है। एक्साइटिंग, स्लीप प्रोड्यूसिंग। सोपोरोफिक इसके लिए एक वर्ड होता है, एक वर्ड में सोपोरोफिक आप कह सकते हैं। किसके लिए? स्लीप प्रोड्यूसिंग को, स्लीप इंड्यूसिंग होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग या इंड्यूसिंग बात वही हुई। लास्ट क्वेश्चन, ऑफिस, ऑफिस का मतलब क्या होता है? सूदिंग, एडवाइजरी, ओवर प्राउड या फूलिश। तो ऑफिस का मतलब क्या होता है? टॉर्प, एक प्रकार का होता है टॉर्प, हाँ, या जिसको स्टोपेट कहते हैं। तमाम और भी शब्द होते हैं। और आज के लिए इतना ही, और ये 30 क्वेश्चन की सीरीज जो है 100 टेस्ट 100 दिन आप जरूर देखते रहिए, 7 बजे रोज आपको मिलेगा। अगर ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो आप कमेंट में लिखिए। नेट वाली सीरीज भी मैं कल से दूंगा आपको, जिसमें 30 रहेंगे लेकिन वो पुराने पेपर से रहेंगे, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी देखेंगे। और वो आप भी देख सकते हैं जो TGD PGD वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल लिटरेचर का कोई और छोर नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
दोनों तरीके से आपको हेल्प करता है। तो इस तरीके की वीडियोज को देखते रहिए, और जितना ही इसको आप इस मतलब शेयर करते हो, जितना ही आप प्रोलिफरेट करते हो, उतना ही मुझे हेल्प होता है, तो मेरा उत्साह बढ़ता है, तो मैं और देता हूँ कहीं ना कहीं, और इसीलिए मैं रिकॉर्डेड में आया हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।